हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया और आप देख रहे हैं PHP MySQL। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम जो MySQL डेटाबेस है उससे हम कनेक्शन कैसे बनाते हैं और यूज कर रहे हैं हम PDO यानी कि PHP डेटा ऑब्जेक्ट का हम यूज करेंगे। जैसे कि आपको पता है PDO का यूज जो होता है वो 12 या करीबन उससे ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, 19-20 का अंतर हो सकता है। 12 डेटाबेस के साथ आप काम कर सकते हैं इससे। तो सबसे पहले हम तीन यहाँ पर वेरिएबल्स ले लेते हैं, सर्वर नेम, यूजर नेम और पासवर्ड। तो उनकी वैल्यू डाल देते हैं। सर्वर नेम में लोकल होस्ट, क्योंकि हम लोकल होस्ट पर काम कर रहे हैं। यूजर नेम जो होता है डिफ़ॉल्ट रूट होता है और पासवर्ड ब्लैंक होता है। तो हम यहाँ ट्राई कैच का यूज करेंगे, ठीक है, ट्राई कैच कैच ब्लॉक का यूज करेंगे। अगर वो कनेक्शन बनेगा उसमें यानी कि ट्रू कंडीशन होगी तो ट्राई वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, और अगर उसमें प्रॉब्लम आएगी कुछ डेटाबेस जो MySQL से कनेक्ट नहीं करेगा तो वो कैच वाला ऑप्शन ब्लॉक होगा, वो एग्जीक्यूट होगा। तो हम पहले PDO का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, डॉलर कॉन CONN इक्वल टू न्यू PDO, और उसमें डबल कोट्स लगाएंगे, उसमें MySQL जो एक्सटेंशन है उसको यूज करेंगे, फिर कॉलन होस्ट इक्वल टू डॉलर सर्वर नेम और ये सेमी कॉलन, ठीक है। फिर आएगा DB नेम इक्वल टू PHP, PHP हमारा डेटाबेस नेम है, और फिर यूजर नेम और पासवर्ड। और यहाँ एक मैसेज टाइप कर लेते हैं, अगर कनेक्शन बन जाता है तो वो इको कनेक्टेड सक्सेसफुली शो करते हैं। तो बस इतना सही काम था, और ये MySQL जो हमारा MySQL डेटाबेस है उससे हम कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने एंटर किया, यहाँ देख सकते हैं PHP माई एडमिन, और ये PHP मेरा डेटाबेस है, ठीक है, डेटाबेस है। तो यहाँ हम कनेक्शन हमारा बन गया है, नहीं अभी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ गलत दिखा रहा है, 44 लाइन पर कुछ मिस्टेक्स है, सिंटैक्स एरर दिखा रहा है। तो हम सही कर लेते हैं यहाँ पर, देखते हैं क्या मिस्टेक है। तो यहाँ दिखा रहा है कि आपने ओके, यहाँ मैंने कैच जो कैच ब्लॉक है वो ठीक से काम नहीं किया हमने। यहाँ पैरेंथेसिस लाएंगे हम, और उसमें हम पास कराएंगे PDO एक्सेप्शन, और उसमें वेरिएबल लेंगे डॉलर ई। तो देखिए कनेक्शन बन गया है, तो अब ये ठीक से काम कर रहा नहीं। हम MySQL डेटाबेस से कनेक्शन हमारा बन गया है MySQL डेटाबेस से। अब आप इसमें हम तैयार हैं, अब देखिए एरर करके देख लेते हैं, पासवर्ड हमने गलत कर लेते हैं तो यहाँ मैसेज कोई नहीं दे रहा। तो अब यहाँ से हम डेटा रिट्रीव कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो वो नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे दोस्तों। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और ताकि हमारा मनोबल बढ़े। और इस वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय इस वीडियो के लिए निकाला। तो हम यहाँ एक मैसेज दे देते हैं, अगर कनेक्शन नहीं बनता है, कुछ प्रॉब्लम आती है डेटाबेस, अगर आप रॉन्ग होता है नाम गलत देते हैं, पासवर्ड गलत देते हैं, तो यहाँ सबसे पहले इको लिखते हैं, फिर अपना मैसेज लिख देते हैं, कनेक्शन फेल्ड और डॉट लगाते हैं, और उसके बाद हम लिखते हैं ई जो हमने, या ठीक है, ई गेट मैसेज एक, ठीक है, ये डिफॉल्ट एक वो हमें मिल जाता है एक मैसेज के लिए फंक्शन, या BR लगा देता हूँ जिससे वो नेक्स्ट लाइन पर, देखिए कनेक्शन फेल्ड आ गया। उसके बाद ये आ रहा है कि पासवर्ड आपका ठीक से काम नहीं कर रहा, तो एक मैसेज दे दिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ अब मैं ठीक से काम पासवर्ड ठीक दे देता हूँ, ब्लैंक दे देता हूँ, ये कनेक्शन सक्सेसफुल। तो ये तो रहा हमारा काम कनेक्शन बनाने का, तो PDO से हमने कनेक्शन बनाया। तो MySQL आई जो होता है वो सिर्फ MySQL डेटाबेस के लिए काम करता है, बट PDO जो होता है PHP PDO ये 12 से ज़्यादा डेटाबेस के साथ काम कर सकता है। तो हमने PDO से देखा कनेक्शन कैसे बनाया MySQL डेटाबेस से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे डेटाबेस से और भी सारी चीज़ें। तो ये देखिए।